हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नेगी ब्लॉग। तो भाई छोड़ के आते हैं ध्रुव को, डेली का काम में अपना भाई जाने का। ऐसा लगता है कि हम स्कूल पढ़ रहे हैं। आ जाऊंगा, ठीक है, लेने मत आना। क्यों? आ जाऊंगा। ये क्या दिक्कत है? मैं आ जाऊंगा तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, आ जाऊंगा। लेके आते हैं फिर सामान घर का। अब चलते हैं स्कूटी में। स्कूटी सबसे बेस्ट है भाई सामान लाने के लिए। उबला हुआ भट्टा भी मिलता है। क्या रेट है बहादुर जी? ये 85 रुपये। 85 रुपये भाई, चलते हैं अब। चलो भाई, अब देते हैं पेड़ों को पानी। बहुत काम है भाई, मेरे लिए बहुत काम है। अच्छा, इसको भी देना पड़ेगा ऊपर। अब जाना है ऊपर पानी, इनको तो पानी। तो भाई दे दिया पानी पेड़ों को। हाँ, खिल गए भाई पेड़। ये लगा पेड़, देखो ये आम का पेड़ लगाया मैंने। कुछ पेड़ और बचेगा सामने यार, इनको भी दे देते पानी। और ये देते हैं भाई आप यहाँ पे, ये मनी प्लांट है। तो इनकी देखभाल करने में ना, अच्छा भाई मिलेगा क्या नाश्ता? मिलेगा दो यार, चलो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो आज भाई अपनी ड्यूटी है किचन में खाना पकाने की। तो आज बनाऊंगा कड़ी चावल। ये बना रहा हूँ पकौड़े, प्लेन पकौड़े बनाऊंगा भाई। मैडम लोग जा रहे हैं आज सोसाइटी में, किसी का प्रोग्राम है गणपति का बैठाने का, तो वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं बनाऊंगा कड़ी चावल आज। तो मारते हैं भाई इसमें तड़का। ये गया जीरा, ये गई हींग, और ये गया कड़ी पत्ता। और बाबरे उतर लाया, और ये गए लहसुन, ये गया प्याज। अब थोड़ी तैयारी करते हैं दही और बेसन मिक्स करने की। बेसन साथ साथ पल भी खाते हैं। डालते हैं हल्दी थोड़ी सी, थोड़ी लाल मिर्च, धनिया। अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो ये हो गया भैया अपना पेस्ट तैयार। और ये गया टमाटर। ये टमाटर ज़्यादा तो डाल दिया मैंने, चलो छह बार में खट्टी हो जाएगी कड़ी। आज बनाऊंगा नंबर एक की कड़ी। और आज सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। ये तो भाई इसको पकाते हैं बहुत देर तक, जितना ज़्यादा देर तक पकेगी उतना और इसमें टेस्ट आएगा। और डालेंगे इसमें मूली। कभी आप लोग मूली डाल के कड़ी बनाना, बहुत अच्छी बनती है। हमारे उत्तराखंड में बहुत फेमस है मूली वाली कड़ी, कभी आप भी ट्राई करना अपने घर में। ये गए पकौड़े। तो भाई देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, तो पता चलेगा कि कैसी हो रही है टेस्ट में। वैसे तो बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, बाकी खाने वाले बताएंगे भाई कैसी हो रही है। चलते हैं थोड़ा नीचे। सोसाइटी के अंकल जी लोग हैं, वो गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, तो उन्होंने नीचे बुलाया हुआ है। तो चलते हैं जरा नीचे। चलते हैं भाई जरा नीचे, देख के आते हैं क्या हो रहा है प्रोग्राम नीचे। हमारे सोसाइटी में कुछ ना कुछ होते रहता है। तो आज दो लोगों ने गणेश जी बैठाए हुए हैं 10-10 दिन के, तो उन्हीं के प्रोग्राम में नीचे गए हुए थे, ढोल बजा रहे थे, गणेश जी को लेकर आए थे। अभी आ गए भाई स्कूल से, उससे पूछता हूँ कैसी हो रही कड़ी। कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। अपने घर जा सोने के लिए, जा ना ना, ये अपना घर है, अपना घर जा, जा यहाँ से, जा
अब घर जा, ये हमारा घर है। इतना शैतान है ना लड़का, ये घर सोता है, हम तो सोने देता नहीं है। उठ चल, तू सुन जाएगा, उठ चल। तो भाई अपना पूरा ब्लॉग खाने पे ही बन रहा है। बना रहा हूँ मैं करेला। किसने कुछ भी काम नहीं किया, ध्यान रखियो। तूने सबका मैंने किया, खाना मैंने पकाया आज। मैं ये पानी भर तो नहीं, मटका पानी भरने से क्या होता है। अब छोड़ो मटके का पानी, क्या करना है भर के। मैं पीती हूँ ना। हाँ दिया मैंने तेरे घर में हर काम ने साथ। एक महीने से खाना बनाया तुमने आज। तो क्या करता भाई, मैं गया हुआ था बाहर। ध्रुव को देता हूँ एप्पल, खाता नहीं एप्पल तो खाता है नहीं बिल्कुल। अब ले जाता हूँ उसके लिए एप्पल एक। देखो कहाँ पर है सर जी, एप्पल खाओ। लो थप्पड़ दूंगा, ध्रुव खा लिया करिए, एप्पल अच्छी चीज होती है यार। ठीक है फेंक्यू मत, खा लियो पूरा। अगर इन बच्चों को बोलो ना कि पिज्जा खाना है या फिर मोमोज खाना, तो दो मिनट में तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। अच्छी चीज़ नहीं खाएंगे, कुछ बोलेंगे खाने के लिए। तो आज तो अपना पूरा ब्लॉग फूड पे बना, तो लग रहा है मैं आज फूड ब्लॉग बना रहा हूँ। बना रहे हो? ये बता रहा हूँ तेरे लिए, रोटी के साथ खाएगा इसको। रोटी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इसमें तुझे बहुत दबा के। रोटी के साथ जैसे सैलड खाते ना वैसे इसको खा सकता तू आराम से। इसमें देख पीली शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च है, प्याज है, काली मिर्च। काली मिर्च डालूंगा इसके ऊपर, अच्छी लगेगी वो, बहुत बढ़िया लगेगी। देखते हैं चल।